सवाल जवाब में आपका फिर एक बार स्वागत है। हम यादव नगर के बाई इलेक्शन के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिसमें शिवसेना, बीजेपी और कांग्रेस साथ मिल गए हैं राष्ट्रवादी के अगेंस्ट। काफ़ी गर्मा गर्मी हो रही है, मेरे ख्याल से और कुछ होगी क्योंकि टॉपिक ही इस तरह से है। सुधार साहब, आपसे शुरू करते हैं। जो बार बार जिस तरह से हमने अभी भी डिस्कस किया है, शिवसेना बीजेपी का कहना है दहशत दहशत दहशत, आपके जो मित्र पक्ष है उनका भी ये कहना है कि हमें राष्ट्रवादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उस इलाके में जो आप रिप्रेजेंटेटिव देना चाहते हैं वहाँ से प्रॉब्लम है, जो हिस्ट्री देखी गई है, और उस इलाके में बार बार ये आरोप भी लगे हैं कि सरकारी ज़मीन पे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ज़मीन पे कब्ज़ा हुआ है, झोड़पट्टियाँ जो जिस तरह से बनाई गई है, बांग्लादेशियों को शरण दिया गया है, इस तरह के काफ़ी, और वोटर्स बढ़ाने के लिए वहाँ पे काफ़ी काम किया गया, झोपड़पट्टी के लगातार उस एरिया पे इस तरह के इल्ज़ाम लगते आए हैं। तो आपको नहीं लगा कि वहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव है उसमें कुछ बदलाव हो, या सिर्फ इलेक्टोरल मेरिट ही देखी जाती है? देखिए, ये जो है, क्योंकि इसकी वजह से आपके मित्र भी अलग हुए आपसे। पक्ष का लोगों का कहना जो है वो तो कहेंगे, एलिगेंस लगाएंगे। मित्र पक्ष क्यों कह रहा है? मित्र पक्ष जो बोले उन्होंने क्लियर कट अभी आ किया है, क्या जो एक्स कॉर्पोरेटर है उनके स्वभाव के बारे में उन्होंने बताया, और इसलिए उन्होंने पार्टी के ऊपर उस इल्जाम किया नहीं है, ये बात रही। दूसरी बात, अपन दौड़ा क्या है इधर, एक कौन सा इलाके में, कौन सा वार्ड में जो परप्रांतीय ये वोटर्स नहीं है, सब जगह पे है, कहेंगे उधर पर्टिकुलर वही इलाके में है ऐसा मैं मानता नहीं, सब जगह पे, हर एक जगह पे, हर एक वार्ड में वो बांग्लादेशी है, यूपी वाला है, कौन सा तरीके का है। रह गए दूसरी बात की जो आपने दौड़ाया कि भाई ये गवर्नमेंट लैंड के ऊपर कब्जा किया है, फॉरेस्ट लैंड के ऊपर कब्जा किया है, उस संस्था का आदमी लोग है वो देखेंगे, अगर वो एनकरेजमेंट हुआ होगा तो वो देखेंगे, ऐसी नहीं बात। लेकिन देखिए, कुछ अच्छा चीज के लिए अगर प्रातिविधिक करने के लिए सोचा नहीं चाहिए, लोगों को, बच्चे लोग को खेलने के लिए अगर मैदान चाहिए, और ऐसी जगह पड़ी रहेगी, अब ये लोगों की लिए अगर वो अतिक्रमण हुआ होगा तो उसमें पड़ी गए। आज मांगने को जाओ आप, भले छिड़को हो, क्या टॉयलेट के लिए प्लॉट भी देने में कितना मुसीबत आती है, एमआरडीसी से भी प्लॉट लेने में कितना मुसीबत आती है। तो ये जो सार्वजनिक पर्पज के लिए है, अगर अतिक्रमण किया होगा तो उसमें मैं बोलूंगा नहीं कि अतिक्रमण, ये लोगों के लिए है। रह गई दूसरी बात, क्या आप जो बोल रहे हैं अभी स्कूल पानीघट्टा की मैदान के लिए एमआरडीसी से जगह पाई है, समझाना, तो वो जगह पाने के बाद उधर जो सुविधा होगी। लेकिन जो बात आज बार बार दौड़ा रहा है कि दशरथ दशरथ दशरथ, मैं एक ही बताता हूँ, इनके पार्टी के ऊपर इल्जाम आना नहीं मांगते क्या भाई, शिवसेना बाय इलेक्शन में हारी, बीजेपी बाय इलेक्शन में हारी, ये आना नहीं मांगता है, इसलिए वो लोग साथ में उधर हो गए। तो कांग्रेस को क्या प्रॉब्लम थी भाई, उन्होंने विचारधाराओं को ये किया है, विचारधाराओं जो पट्टी नहीं उसके लिए, एनसीपी के खिलाफ नहीं है वो। तो आपके मित्र पक्ष है भगत साहब, आप जैसे बोल रहे हैं कि हम एनसीपी के खिलाफ नहीं है, नायक साहब के खिलाफ नहीं है, लेकिन वहाँ पे जो कैंडिडेट हैं जिस विचारधारा के, उनके अगेंस्ट में हम कर रहे हैं, क्या आप लोगों में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है मित्र पक्ष में कि भाई डिस्कस कर लें कि भाई आप ये कैंडिडेट मत दीजिए, हम ऐसा कर लेंगे, या आप अलग जा रहे थे तो आपने कहा था राष्ट्रवादी को? इसके बारे में मैं बात बोलता हूँ। देखिए, हमारा दशरथ भगत साहब ने बोला है क्या, हमारा इसमें बाय चुनाव, लास्ट टाइम जो नेरुल में बाय चुनाव है हुआ उसके बारे में भी हमारा कांग्रेस और एनसीपी के साथ ऐसा कुछ बातचीत हुआ नहीं था, कांग्रेस ने उधर कैंडिडेट किया, बीजेपी ने कैंडिडेट किया, शिवसेना ने सपोर्ट किया, अभी इस बार भी, क्योंकि पहला जो चुनाव हुआ था ऐरोली में जो काले के बारे में, तो हम लोग उधर तुरंत उनको काले का मैसेज को दिया, हम एनसीपी का कैंडिडेट उधर खड़ा किया नहीं, लेकिन इस बार
नेरोल में कांग्रेस ने खड़ा किया, इसलिए हमें वापस उनको पूछने का जरूरत पड़ा नहीं। और उधर जो है एनसीपी का, अगर उधर कांग्रेस का उम्मीदवार रहता था तो निश्चित तौर पे हमें बातचीत करना पड़ता था, लेकिन उधर एनसीपी का ही कैंडिडेट भाई चुनाव हुआ है, इसलिए उधर एनसीपी का ही हक है ना। तो यानी इनका कहना है कि आपने पहले धोखा किया नेरुल में? हमने बिल्कुल धोखा नहीं किया, हमारा अलायंस सभागृह में हाउस में, हाउस के बाहर हमारा कुछ अलायंस है ही नहीं ना, तो इसीलिए धोखाधड़ी का बात ही नहीं हो रहा है। अच्छा मुझे भगत साहब ये बताइए, जो उनसे उनको जो जो कुछ कहना है हमें सृष्टि से कहना चाहिए ना। पर आप लोगों का हाउस में आप बोल रहे अलायंस है, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होता है, कोई मीटिंग्स होती है कुछ कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स आपके? नहीं, उसके अंदर हमारा अच्छा चल रहा है। क्या अच्छा चल रहा है? बिल्कुल सही चल रहा है, हाउस के अंदर हमारा कुछ भी ऐसा ही नहीं है, हम दोनों को साथ में विश्वास में लेके हम चल रहे हैं। आप लोगों की कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स होती है? नहीं नहीं होते हैं ना, हमारा सब होते हैं, लेकिन हाउस के बाहर जो हमारा अलायंस नहीं है, हमारा कौन सा भी समझौता नहीं है। लेकिन ये वार्ड में जब सुतार साहब बोल रहे कि रामाशीष यादव तीन बार चुन के आ गए, सुतार साहब खुद तीन बार चुन के आ गए, मैं तीन बार चुन के आ गया हूँ, तो सुतार साहब के ऊपर केसेस नहीं है और रामाशीष यादव के ऊपर बहुत सारे केसेस है ना, क्या थोड़े भी सोचते ना एनसीपी। तो आपने वही मैं कह रहा हूँ कि आपने क्यों नहीं बात की एनसीपी से इतना बड़ा फैसला लेने के पहले? बात करें ना, वो यहाँ पे तो लीडर आप है, वो से बात करें या उनका प्रेसिडेंट मेरे से बात करें, लेकिन वो कैंडिडेट नहीं देते तो भगत साहब मैं यही बोल रहा हूँ, आप लोगों के लिए बोल रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, वो जेल में जाके आ गए ऐसा कैंडिडेट, यही जो आप बात मुझे बोल रहे हैं हमारे व्यूअर्स को कह रहे हैं, यही बात आपने एनसीपी को या नायक साहब से क्यों नहीं कही? क्योंकि आप इतना बड़ा फैसला ले रहे थे शिवसेना बीजेपी के साथ मिलने का, हाउस में हमारी जो कोई समझौता, हाउस के बाहर समझौता नहीं है, उन्होंने बात की है कि उन्होंने बोलना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, तो हाउस के बाहर हमारा कुछ जाओ बात करना है तो सृष्टि से बात करो, हमसे क्या बात करें, क्योंकि ये सब डिसाइड सृष्टि करती है, मैं डिसाइड नहीं करूँ, वो हक वो अधिकार हमारे प्रांत अध्यक्ष माननीय खजर अशिक राव जी चौहान सबको। तो बेसिकली हाउस के अलावा आप लोगों का कोई कम्युनिकेशन नहीं है, ये आपका कहना है? नहीं, हाउस के बाहर हमारी जो कुछ इलेक्शन हो या संगठनात्मक प्रोग्राम कार्यक्रम हो वो हमारा अलग अलग है ना। ठीक है, एक इसमें मैं पूछना चाहूँगा मौर्य साहब और घर साहब को भी, क्या ये जिस तरह से आप लोग एक साथ में आए हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि नेरुल का एक्सपीरियंस जो भी सुतार साहब ने भी कहा कि उसकी वजह से आप लोगों ने किया, नेरुल में हालात फिर भी अलग थे और वहाँ पे अगर आप लोग मिल जाते उस टाइम पे तो रिजल्ट कुछ और हो सकता था, क्योंकि जो फाइनल रिजल्ट आया वो 76 वोट्स का ही डिफरेंस था। यादव नगर में पोजीशन काफ़ी अलग है, अब आप बोले चाहे दहशत की वजह से हो, सुतार साहब बोले कि वहाँ पे जो उनका प्रोग्रेस है उसकी वजह से है, पिछला चुनाव भी अगर देखेंगे तो बहुत ही वन साइडेड था, जो राम आशीष यादव हैं उनकी फैमिली के मेंबर जो जीती थी काफ़ी 2071 वोट से जीती थी, दूसरे नंबर पे कांग्रेस थी तो 900 वोट ही थे, आपके बीजेपी के थे तो 731 वोट थे और इंडिपेंडेंट्स को 30-40 वोट मिले थे, इन सबको मिला के भी एनसीपी के उतने वोट्स नहीं हो सकते थे, वो अगर हम कंसिडर करें तो क्या ये कहा जा सकता है कि ये एक सिंबॉलिक फाइट है सिर्फ? अभी ऐसा नहीं है कि वोट नहीं होते हैं, जो पिछले एक साल में जो एक्टिविटीज हुई वो एक्टिविटीज देखा गया कि बोगस पेपर्स, बोगस जात, सब चीज बोगस, फिर दादीगिरी, फिर उन्होंने जो सपने दिखाए थे बनेंगे, गटर बनेगा, घर अच्छी तरह से साफ सुथरा रहने के लिए साफ सफाई का अच्छा काम रहेगा, ये सब फेल हो गए। और फेल होने से ना वो 2000 वोटों में से कम 1500 वोट तो वापस घूम गए वापस, और हमारे मिलके 1500, 3000 वोट तो हम अभी ले लेते हैं। मेरा ये सर्वे है, मैंने जो सर्वे किया उसमें 3000 वोट तो अभी हम लोग खींच लेते हैं, क्योंकि ये जो एक साल में जो हुआ के एक तीन के तीन जीरो है उसके ऊपर से एक जीरो निकाल दो, राजीनामा देगा मैं, आप देंगे राजीनामा, आप देंगे राजीनामा, मैं राजीनामा देगा, तीन के ऊपर आप देंगे जीरो है ना, वो एक जीरो निकाल, चैलेंज करो ना, चैलेंज करो। पिछले बार जो वोटिंग हुई थी करीब 4500 तक की वोटिंग हुई थी, तो उसमें से आप कह रहे हैं कि 3000 वोट उन्होंने मान्य किया, उन्होंने मान्य किया क्या? यार बीजेपी का इतना मिला था, कांग्रेस को इतना मिला था, शिवसेना को इतना मिला था, शिवसेना ने नहीं लड़ी थी क्योंकि साथ में थे, पक्ष को मिला था, ऐसा अपक्ष जो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार को मिलने वाला नहीं, ये मत सोचो
या भरत साहब बोलेंगे या मैं अपन बीजेपी वाला है वो इंडिपेंडेंट को, वो सोचेगा या पक्ष का कौन है, आज रूलिंग पार्टी कौन है सर, ये सब बातचीत होएगा। ये देखिए मैं इतना ही कहना चाहता हूँ क्या बीजेपी और शिवसेना को उधर चुनके आने वाला नहीं, बेइज्जती हो जाएगी, इसलिए उन्होंने ये फैसला किया। सर मैं बोलूं कांग्रेस एक पॉइंट घर साहब एक पॉइंट और इसमें ऐड करना चाहूंगा कि जो आपकी जो कैंडिडेट थी पिछली बार जिनको ये 730 वोट मिले थे, उन्होंने इस बार इंडिपेंडेंट भी फाइल किया है। आपके एक बीजेपी के हिसाब से फाइल किया था, उनका तो डिस्क्वालीफाई हो गया, पर इन्होंने भी इंडिपेंडेंट अभी भी फाइल किया है, तो ये वो पीछे हो जाएगा, वो कोई टेंशन नहीं है। उम्मीदवार था और उसको ठोकरा के तीसरा आदमी को पैसे का भी बहुत बहुत सारा बोलबाला वहाँ पे चलने वाला है। हमारे जो कैंडिडेट है वो कमजोर है, वो बीजेपी की धारा से चलने वाली है। बीजेपी की एक धारा ऐसी है कि पैसे का बोलबाला हम लोग करते नहीं। तो तीन मिलके पैसा का बोलबाला होगा, तीनों मिलके पैसे का बोलबाला होगा, नहीं पैसे का सवाल ही नहीं। एक नागरिक को जो हमने सपोर्ट किया है वो क्या पैसा देगा हम लोग को? पैसे का बोलबाला नहीं है। ये जो इलेक्शन है ना, ये देखो हमेशा वहाँ इलेक्शन जो होते थे वहाँ की वहाँ जो वोटर्स है वो 90% के ऊपर उत्तर भारतीय है जी, और हमेशा लोग चाहते हैं कि वो कैंडिडेट हमारा उनके कम्युनिटी से हो। इसीलिए इस बार जो कैंडिडेट दे दिया है हम सब मिलके दे दिया है, नागरिकों ने जो कैंडिडेट दिया है वो उत्तर। मैं बोलूं मोरे साहब, और मोरे साहब आप ये वहाँ के लोगों को अभी पर्याप्त है। चलिए किस तरह आए, साथ में आए, क्यों आए वो समझ रहे हैं, पर क्या आप लोगों को सही में इसमें सिर्फ एक सिंबॉलिक मैसेज दे रहे हैं कि भाई राष्ट्रवादी के अगेंस्ट सब हो सकते हैं, या कुछ और भी है इसमें जीतने के? देखिए मैं थोड़ा बैकग्राउंड आपको बोलता हूँ। पिछले इलेक्शन में 2014 का जनरल इलेक्शन हो गया कॉर्पोरेशन का, उस इलेक्शन में ये सीट बीजेपी के लिए थी जी, तो हक उनका ही बनता है जी। हम लोग ने उनके पास जो विचार विमर्श किए वो दोनों के विचार विमर्श में आया कि हम लोग सब मिल के कांग्रेस को भी रिक्वेस्ट करेंगे, कांग्रेस को इस विचारधारा में, लेकिन विचारधारा में नहीं, लेकिन क्या विचारधारा है वहाँ की जो मतदाता है, वहाँ की जो जनता है, उनकी स्थिति पिछले 15 साल में जो आज ऐसा लगता है वहाँ पर जाने से, ये वार्ड नंबर 6 यादव नगर नवी मुंबई कॉरपोरेशन में नहीं है। इस तरह वहाँ की प्रोग्रेस है जो हमारे सुतार साहब बोल रहे हैं, वहाँ की जो प्रोग्रेस, वहाँ के जो डेवलपमेंट, वहाँ पर आम जनता की जो स्थिति जो है वो नवी मुंबई कॉरपोरेशन में वहाँ नहीं है ऐसा लग रहा है, उसको बदलने के लिए हम लोग साथ में आना जरूरी है। रही बात हम लोग साथ में बैठे और एक कैंडिडेट आपने जो पूछा वहां पर पिछले बार बीजेपी के लिए लड़ा, उन्होंने भी उनका हक है, उन्होंने भी फॉर्म भरे, पर्ची भरी है, उनका हक है, उनको अगर लगा पीछे लेना है वो लेंगे पीछे, हमारे विचारधारा से उनकी विचारधारा जमेगी, क्यों हम आम जनता के लिए लड़ रहे हैं, हमारा लड़ाई वो एक पार्टी का, अभी इसका हम लोग साथ में आने का डर हमारे सुतार साहब को लग रहा है, उनके पार्टी को लग रहा है, उसको हम लोग कुछ नहीं कर सकते, हम उसको कुछ नहीं कर सकते, क्यों आपने जिस तरह बात रखी वो बात उनको जस्ती नहीं, उनको जस्ती नहीं वो बात, क्यों उनको डर लग रहा है? भगत साहब आप देखिए आपने अपने बात रखा सामने, आप एनसीपी के साथ जो है वो सभागृह के डेफिनेटली है, लेकिन बाहर उनका और आपका ताल्लुकात अलग अलग हो सकते हैं, वो हाय मैंने इसके लिए उदाहरण आपको शुरू में दिया कि इसके पहले 15 साल में कॉर्पोरेशन में इलेक्शन में आपने वो नहीं लिया, लेकिन विधानसभा और लोकसभा में आपको चाहिए, आप चाहिए, क्यों आपके वोट्स हमको मिलने चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमारे साथ आप आएंगे तो आपको फायदा होगा, वो नहीं चाहिए, ये उनकी विचारधारा है आपकी नहीं, लेकिन आज इनका लोकसभा और विधानसभा में अलग अलग, और जब पता चला कि भाई इधर अभी राष्ट्रवादी का चलने वाला है तभी वो कॉर्पोरेशन में एक साथ में आए। तुमसे गए ये राष्ट्र, हम लोग स्टार्टिंग से अलग अलग लड़ रहे हैं, अलग अलग ही है आए घर में, लेकिन ऐसा नहीं कि कॉर्पोरेशन के तौर पे तुरंत हम लोग एक गए, वो सब देखिए अभी आप आपके आप, 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 आप मन को आनंद मिलने के लिए जो बात करते हैं हम उससे सहमत है, आपको आनंद मिलना चाहिए,
आप पॉलिटिकल 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 बेस आपका क्या है सारी जनता जानती है यहाँ पर हमारी सारी जनता जानती है हमारी हमारा देखिए हमारा हमारा जो यहाँ आज का यहाँ पर हमारा बात का मुख्य मकसद यह है देखिए नेरोल नेरोल और यादव नगर ये दो इलेक्शन का यहाँ पर कंपेरिजन नहीं हो सकता है बिल्कुल नहीं हो सकता है क्यों नहीं हो सकता मेरे साथ देखिए नेरुल का वार्ड का स्थिति और यादव नगर का वार्ड का स्थिति ये दोनों का स्थिति आप कंपेयर कर सकते हैं नहीं इसके लिए हम लोग अलग अलग फिलोसॉफी होने के बावजूद हमारे अलग अलग विचारधारा होने के बावजूद शिवसेना बीजेपी की विचारधारा नेरुल में ये एक्सपेरिमेंट क्यों नहीं हो पाया मुझे बोलने दीजिए कि ये वहां पर जो स्थिति डेवलपमेंट की स्थिति बीजेपी का सीट था हम लोग साथ में थे ना क्यों नहीं साथ में थे हमारे देखिए शिवसेना ने कांग्रेस को सपोर्ट किया कह रहे हैं एक मिनट हमने हमने देखे वहां पर भाई साहब वहां पर हमने हमारा और बीजेपी का अलायंस है कांग्रेस को क्यों नहीं लिया तब कांग्रेस को क्यों नहीं लिया साथ कांग्रेस हम क्यों लेंगे भाई जैसा अभी लिया बात सुनिए उन्होंने जाने की जरूरत नहीं बात सुनो बात सुनो और बीजेपी को ये जो यादव नगर की जी स्थिति अगर हम कांग्रेस को सपोर्ट कर देना आपका कैंडिडेट कभी चुन के नहीं आता बात सुनो आपका कैंडिडेट कभी चुन के नहीं आता यादव कांग्रेस वाले को हमने उस टाइम भी बोला था बात सुनो कांग्रेस वाले और कॉन्फिडेंस में गए और ये चीज उनको वापस पलटी होगी आप समझना चाहिए ये दुख हमारे कांग्रेस के नेता को नहीं है ये इनको दुख है देखो बात सुनो बीजेपी की और शिवसेना की विचारधारा अलग है कांग्रेस की विचारधारा अलग है लेकिन वहाँ की जनता की मानसिकता ये कि हमें दहशतवाद से आजादी चाहिए ठीक है मैं एक और दहशतवाद से आजादी चाहिए इसीलिए हम नागरिकों के साथ है और एनसीपी ने वो दहशतवाद जो कायम रखने वाले कैंडिडेट को क्या उम्मीदवारी नहीं देना चाहिए था मुझे एक बात बताइए ये आप तीनों को एक्चुअली इसका जवाब देना पड़ेगा आप तीनों मिलके एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे मधुमती पाल को आप लोग सपोर्ट कर नागरिकों का कैंडिडेट नागरिकों का कैंडिडेट आम जनता का कैंडिडेट आम जनता का कैंडिडेट मैं सब मान गया ना वो कांग्रेस का कैंडिडेट है ना कांग्रेस का कैंडिडेट है ना बीजेपी का है ना शिवसेना का है कल वो जीत के आती है ठीक है एनसीपी का हार जाते हैं अगर आप लोग को जिस तरह से कॉन्फिडेंस कर रहे हैं कल वोटिंग होती है हाउस में वो किसको सपोर्ट करेंगे वो उनका निर्णय लेंगे उनको अधिकार है इंडिपेंडेंट वो यहाँ पर इंडिपेंडेंट चुन के आए नहीं निर्णय लेगी उसका अधिकार है हमें 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 क्या चाहिए लोगों को क्या इच्छा है कि दहशतवाद से आए मुझे ये मैं ये पूछ रहा हूँ बस मैं ये बोल रहा हूँ क्योंकि आज हाउस में नंबर गेम बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है एक एक वोट इंपॉर्टेंट हो गया है एक एक कमेटी में ऐसे में आज वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है अगर वो कांग्रेस के साथ में है वार्ड का सोचते हैं हम लोग हाउस का नहीं सोचते हम लोग उसके ऊपर दबाव नहीं लाएंगे वो उनका अपना अधिकार है वो अपना निर्णय लेगी सभागार में चाहे वो राष्ट्रवादी चाहे वो राष्ट्रवादी राष्ट्रवादी को भी सपोर्ट कर सकते हैं अगर उनको अच्छा लगा मुझे मुझे ये बताइए अगर अच्छा लगा वो राष्ट्रवादी को भी सपोर्ट कर सकते हैं हमारा उनके ऊपर कि लोगों को वहां से सुरक्षा देना शांति देना और ये हमारा निर्णय राष्ट्रवादी को डर लग रहा है लेकिन मोरे साहब मैं एक अगर आज मैं यादव नगर का अगर मैं रहवासी हूँ मैं मधुमती पाल को वोट करता हूं क्योंकि मुझे एनसीपी के कैंडिडेट नहीं पसंद है मैं बहुत दहशत में हूं ऐसे बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं है मैंने इसलिए राष्ट्रवादी के कैंडिडेट को मैंने वोट नहीं किया अगर मैंने नहीं किया क्योंकि मैंने एनसीपी के अगेंस्ट में वोट किया है वो ही कैंडिडेट जाके अगर कल एनसीपी को वोट करते हैं क्योंकि वो कांग्रेस के साथ अगर सपोज मिलके वो देखिए धोखा नहीं होगा हाँ देखिए डेमोक्रेसी को हम लोग डेमोक्रेसी को सपोर्ट कर रहे हैं डेमोक्रेसी में आज हम लोग कांग्रेस शिवसेना बीजेपी साथ में आए और वो कैंडिडेट को पूरा फ्रीडम है हम आज बोल रहे हैं यहाँ पर पब्लिक के सामने बोल रहे हैं वो कैंडिडेट अपना निर्णय लेने के लिए पूरा फ्री है उसके ऊपर हमारा कोई दबाव नहीं रहेगा उनको लगता है अगर एनसीपी अच्छा काम कर रहे हैं तो वो सब्जेक्ट के लिए वो उनको सपोर्ट कर मैं तो एनसीपी को आह्वान करता हूँ तीन बजे तक पीछे फॉर्म पीछे रहने का समय है ले लो तो वो ये जो दहशतवाद को खत्म करने के लिए मधुमती पाल को सपोर्ट करें बस जो आम जनता की सुधार साहब ये जो पॉइंट मैंने कहा है
इसमें तो आपका फायदा हो सकता है क्योंकि जैसा कहा जाता है वो कैंडिडेट कांग्रेस से क्लोज है, मित्र पक्ष है, तो आप कोई भी जीते आपको फायदा होगा, इनको तो ऑब्जेक्शन नहीं है। मैं पहला बोला हूँ कि पेड़ के ऊपर जो बेर है वो खट्टे रहते हैं, एको क्योंकि उनको खाने को मिलते नहीं, इसलिए अभी ये तो नौबत आने वाली ही नहीं क्या, जो 17 दिन बाकी है वहां एनसीपी का ही कैंडिडेट भारी वोटों से जीत कर आने वाला है, ये सपना है, उनको किसको देना है। अगर अगर आपका कहना मैं मानू, अगर इनको इतना ही रहता था क्या भाई, चलो एक अगर कारपोरेटर छूट के आता है तो हमारा एलिगेंस का कुछ वैल्यू बढ़ेगा, 34 का 33 का हमारा 34 का 35 होएगा, 8 का 9 हो जाएगा, समझ में कुछ कर रहा हूं, 8 का 9 हो जाएगा, किसका बढ़ेगा। अगर ऐसा तो उन्होंने पार्टी का नाम देना मांगता था, लेकिन पार्टी का नाम दिया नहीं उधर। और आज भी देखो इंडिपेंडेंट एक जो खाली 111 में से एक उम्मीदवार इंडिपेंडेंट जो आया है क्या, जिसको कौन सा पार्टी का सपोर्ट नहीं था। आज मैं बोल रहा हूं क्या, लगातार उधर 3 बार राम आशीष यादव ने किया काम, लोगों की जनता भयमुक्त है उधर की, वहां के एमएलए संदीप नाइक इन्होंने किया काम, ये सब ध्यान में रखकर उधर का भी जनता मतदान ये सुनिए। ये अभी घर साहब रहते हैं तुर्बे में, मोरे साहब रहते हैं वासी में, भगत साहब रहते हैं वासी में, उधर नजदीक रहने वाला कौन है जो बता सकता है। देखिए हम लोग पार्टी के लीडर है, हम किधर रहते हैं उसको ऊपर लेने हैं, क्या कांग्रेस का प्रेसिडेंट था, विरोधी पक्ष नेता था, हम किधर रहते वो बात नहीं है, आप लोग क्या करते हैं वो इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने यहाँ पर किस तरह से व्यवहार करते हैं लोगों के साथ, वहाँ के लोगों के साथ आपको किस तरह का व्यवहार है आपका वो देखना चाहिए, गुमराह करने का, लोगों को फंसाने का भूमाफिया गिरी है। दशक सुतार साहब पक्ष के माध्यम से हम लोग तीनों जिला स्तर पे काम करने वाले हैं, ये सिर्फ वार्ड में काम करने वाले हैं, झंडा किसका था और आपको किसको किसका झंडा था वो छोड़ दो, आपका भी पहला भगवान था बाद में तिरंगा आ गया, वही स्थिति है, ये मेरा एक ही बात है। देखिए भगत साहब मेरा एक ही बात है, हम लोग तीनों पार्टी के अलग अलग पार्टी के विचारधारा के लोग इकट्ठा आए, उसका एक ही कारण है, वहां का जनता का जो सुख, वहां के जनता के जो सुविधा उनको मिलने का अधिकार उनका है, वो उनको मिलके मिला के देना हमारी जिम्मेदारी बनता है, और इसके लिए हम लोग कांग्रेस शिवसेना और बीजेपी इकट्ठा है उस वो जनता के भले के लिए। मोरे साहब का ये फाइनल वर्ड, हमें प्रोग्राम हमें आता हूँ सुतार साहब के पास, प्रोग्राम खत्म करना होगा, ये मोरे साहब का फाइनल वर्ड था। घर साहब आपका फाइनल वर्ड क्या है इस पर? मेरा ये फाइनल वर्ड है कि इन्होंने अभी बोला कि नंबर बढ़ाने का चांस था, हमको नंबर बढ़ाने का नहीं है, हमको उस वार्ड में लोगों का नंबर बढ़ाना है, लोगों को सुख शांति देनी है, लोगों को भयमुक्त करना है, लोगों को विकास देना है, ये सब चीज देखा है। अभी ये दोनों एक साथ में सभागार में है ही है, फिर भी अलग क्यों बात कर रहे हैं, फिर भी अलग क्यों आ रहे हैं, क्योंकि वो वार्ड का सोचते हैं और हम लोग ये वार्ड का सोचने वाले, ये लोग पार्टी का सोचने वाले, इन्होंने अगर इनमें हिम्मत है तो जो इंडिपेंडेंट अभी जो हमने इसको सपोर्ट किया है, ठीक है, फाइनल वर्ड भगत साहब, फाइनल वर्ड आपकी तरफ से क्या है? देखो भाई साहब, वहाँ की जो नागरिक है वो नागरिक की इच्छा है कि वहाँ से नागरिकों को भयवाद और दहशतवाद से मुक्ति चाहिए और उनके लिए हम इकट्ठा है। सुतार साहब आपका फाइनल वर्ड क्या है? मैं वहाँ के जनता को यही कहूंगा कि आज एनसीपी ने जो कैंडिडेट दिया है, युवा कैंडिडेट है, क्वालिफाइड कैंडिडेट है, जैसे एनसीपी के ने कई 15 साल से वहाँ कामकाज किया है, इस बार भी
एनसीपी का ही कैंडिडेट को भारी वोटों से वहां जिताइए ऐसा मैं कहूंगा। और मैं एक 100% बात करता हूं, क्या भारी वोटों से मैं जो पहले टाइम पे 1200-1500 वोट का मार्जिन लेकर आया था, एक बार निश्चित रूप से डिपॉजिट जब्त हो जाएगा, ये मेरा विश्वास। 17 तारीख को ठीक है, चर्चा काफी हो गया। तो यहाँ जो आज की तारीख में हमेशा सदी से जो विजय हो गया है वो भयवाद और दहशतवाद के विरोध में हो गया है, इसलिए इस बार भी मधुमती पाल अरे सरकार ठीक है इसका फैसला इसका 17 तारीख को 17 तारीख को जो होने वाला है उसका सुधार संभव है। वो 17 तारीख जनता वहाँ के मतदाता जो निर्णय लेने वाले हैं उसके लिए राष्ट्रवादी के सुधार साहब डर रहे हैं, हम उसको मेरे ख्याल से अब फाइनल, जैसे हम हमेशा कहते हैं कि जनता जनार्दन के हाथ में ही फैसला होता है, ये फैसला भी 17 तारीख को ही होगा के किसकी जीत होती है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर आए, जैसा पॉलिटिक्स में होता है आज डिस्कशन में भी हुआ, कभी कभी समझना मुश्किल हो जाता है कि कौन दोस्त है और कौन दुश्मन है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।